इस करते ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू ब्लॉगिंग आपके लिए लाया हूँ। दिखाऊंगा इस ब्लॉगिंग में आपको कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और किस जगह पर जा रहा हूँ, जो कि हमारे कन्नौज में है एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पर न्यू ईयर के दिन बहुत ही तगड़ी भीड़ होती है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जो आज की ब्लॉगिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुपर होने वाली है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भीड़ स्टार्ट हो चुकी है और अंदर इससे ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होगी। तो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो गाइस, इससे पहले यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती होगी। देख सकते हैं गाइस, पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर और कितनी यहाँ पर भीड़ है। जो कि मैं आपको लेके आया हूँ लोहिया पार्क, जो कि हमारे कन्नौज में है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि गोलगप्पे वाले भी यहाँ पर हैं और भी चाट की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से सारा कुछ दिखाऊंगा। इतनी भयंकर यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर न्यू ईयर मनाने के लिए आए हुए हैं। ओह माय गॉड, इतनी भीड़ कभी मैंने नहीं देखी यहाँ पर लोहिया पार्क में। तो गाइस, देख सकते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई लोग की लोहिया पार्क में कितनी भयंकर भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, जो कि मैं इस ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ कन्नौज की, जो ये लोहिया पार्क है। तो भैया देखें कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। और एक ये मेरे मित्र जी हैं श्यामू, जो कि यहाँ पर ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे देख नहीं पाया, मैं उन्हें कैप्चर कर रहा हूँ। जब वो, हालांकि वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, जब वो मेरा वीडियो वॉच करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्हें रोहित भाई ने कैप्चर कर लिया अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो सारा कुछ दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्थडे भी सो रहा है, बर्थडे केक काटा जा रहा है यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, लोहिया पार्क हमारे कन्नौज में एक ही पार्क है, जो कि काफ़ी कन्नौज से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, बट थोड़ा सा ये क्लोज़ होती तो ज़्यादा बेटर रहता, मेरा ओपिनियन यही है। बाकी जो आपका ओपिनियन हो आप वो कमेंट में बताएं मुझे। भैया देख सकते हैं कितना भयंकर भीड़ है यहाँ पर, जो कि लोग सेलिब्रेट करने आए हुए हैं न्यू ईयर को यहाँ पर। तो गाइस, देख सकते हैं कि लड़के यहाँ पर कितना शोरगुल मचा रहे हैं। हालांकि ऐसा पार्कों में नहीं होना चाहिए, आप आए हो शांति से बैठो, बातचीत करो, फोटो वगैरह क्लिक करो, आराम से लुत्फ़ उठाओ न्यू ईयर का, बट ये नहीं होता है कि आप शोरगुल मचाओ। गाइस, देख सकते हैं कि भाई कबड्डी भी आई थिंक होगा, इसलिए पिक क्लिक करा रहे हैं भाई। गाइस, देख सकते हैं कि फर्जी का शोरगुल मचा रहे हैं ये लोग, बट मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप आए हैं शांति से, यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत करें तो अच्छा लगेगा आपको, बट ये मेरे हिसाब से तो ये लाइक बदतमीजी कह सकते हैं। देख सकते हैं गाइस कैसे वो शोरगुल मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि पार्कों में ये अलाउड नहीं होता है, बट क्या करें भैया, ये यूपी है, यहाँ पे सारा कुछ जायज है। जो कि मैं अपने ब्लॉग में सारा कुछ कैप्चर कर रहा हूँ।
अच्छा बना हुआ है ये। अगर आप कभी आए नहीं हैं लोहिया पार्क तो आप आएँ, यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी शांत तो नहीं कह सकता हूँ कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का वातावरण ख़राब करते हैं, बदतमीजी लाइक देते हैं, बस यही कह सकता हूँ। फैमिली वाले लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जो आराम से बैठते हैं, अपना लुत्फ़ उठाते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ी सी घर की फ्रस्ट्रेशन या लाइक जो भी समझ लो आप, थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगता है यहाँ पर आके। बच्चे काफ़ी मज़े ले रहे हैं यहाँ पर इस झूले का, गाइज आप लोग देख सकते हैं। तो भाई मुझे भी ये ब्लॉगिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी आनंदमय हैं, बच्चे यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है घूमने के लिए, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं सारा कुछ कैप्चर कर रहा हूँ। आप जब ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर पहली बार अगर मेरा वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।